अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। श्रीनगर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुरक्षा इंतजाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और तय किया गया कि इंतजामों में अगर कोई कमी है तो उसे दूर किया जाएगा, लेकिन अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। कोई सिक्योरिटी लिहाज नहीं है, एक गाड़ी फेल होने से ये उनको मौका मिल गया है। ये शैतानी दिमाग के लोग इस रास्ते से ताकते रहते हैं और उन्हें थोड़ा मौका मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। सुरक्षा में खामी के सवाल पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा को सफल बनाने में सुरक्षा कर्मियों ने बड़ा योगदान दिया, देश ऐसे काराना हमलों से डरने वाला नहीं। इस बीच जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले को लेकर बयान दिया। महबूबा ने कहा कि ये निंदनीय घटना थी, लेकिन हकीकत ये भी है कि काफी सालों बाद कश्मीर किसी मुद्दे पर एकजुट हुआ है। हर कश्मीरी को इस मसले से दुख हुआ। इस मुश्किल घड़ी में सभी देशवासियों ने भाईचारे का संदेश दिया है। हमारी रियासत के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, वादी के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने एकजुट होकर जो एक भाईचारे का सबूत दिया, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए एक मिसाल है और ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने की बात है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो हम सब मिलके उसका मुकाबला कर सकते हैं। जिससे अनंतनाग के लोगों ने, जो ही हादसा हुआ तो वो जोग दर जोग चले गए खून देने के लिए। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले से देश दुखी है, लेकिन सारे गम भुलाकर सुरक्षा बलों ने आतंकी खात्मे के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की। इसके तहत आतंकियों के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश, उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने और आतंकियों को यात्रा मार्ग से पूरी तरह दूर रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 300 किलोमीटर की यात्रा मार्ग पर करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।